हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के महान कॉमेडियन मुकरी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को बताते हैं। मुकरी का अंतिम समय कितना दर्द में गुजरा ये भी आपको पता लगेगा। फिल्म शराबी का मूछों वाला नथुलाल तो आपको याद ही होगा, वो कोई और नहीं महान हास्य कलाकार मुकरी ही थे। मुकरी जैसे ही फिल्मी पर्दे पर आते उनको देखते ही दर्शकों की हंसी छूट जाया करती थी। 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में वो पैदा हुए थे। माँ बाप ने नाम रखा मोहम्मद उमर मुकरी, मगर बॉलीवुड में वो सिर्फ मुकरी के नाम से ही मकबूल हो गए। 4 फुट के गोलमटोल मुकरी फिल्मों में कभी आना ही नहीं चाहते थे। वो तो एक मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मदरसे में आमदनी कम होती थी, वो किसी और काम की तलाश में थे ताकि घर चल सके। अचानक उनको एक दिन देविका रानी के फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में नौकरी मिल गई। मुकरी और दिलीप कुमार एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दिलीप मुकरी के सीनियर थे, मगर दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक बार दिलीप कुमार ने उस दौर की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी से मुकरी की सिफारिश कर दी। देविका ने भी मुकरी को देखा तो उनका छोटा कद, गोलमटोल शरीर और दंत विहीन मुस्कान देखकर उनको भी हंसी आ गई। उन्होंने भी सोचा कि ये आदमी कैमरे के सामने अच्छा लगेगा। इसके बाद देविका रानी ने 1945 में आई प्रतिमा फिल्म में मुकरी को रोल दे दिया था। बस यहीं से मुकरी का करियर चल पड़ा। दिलीप और मुकरी की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उनकी ज्यादातर फिल्म में मुकरी का रोल फिक्स हो जाता था। कम ही लोगों को पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने लोगों को हंसाने का हुनर मुकरी से ही सीखा था। मुकरी को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वो बेधड़क इंग्लिश के शब्द बोला करते थे। उनकी इसी अदा को नमक हलाल में अमिताभ ने इस्तेमाल किया था। फिल्म के कई संवाद जैसे आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश खूब मशहूर हुए थे। मुकरी की शादी मुमताज नाम की लड़की से हुई थी। दोनों के 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनकी बेटी नसीम ने एक बार बताया था कि उनके पिता बेहद धार्मिक इंसान थे। उनके किसी भी बच्चे को फिल्म देखने की इजाजत नहीं थी। बेटी ने बताया था कि पिता को घोड़ों की रेस देखने का बहुत शौक था। वो हर रविवार को रेस देखने जाया करते थे। मुकरी ने 600 फिल्मों में काम किया। उनकी चुनिंदा फिल्में मदर इंडिया, शराबी, अमर अकबर एंथोनी, लावारिस, बॉम्बे टू गोवा और पड़ोसन हैं। दोस्तों, इतने महान हास्य कलाकार का अंत जानकर आप भी दुखी हो जाएंगे। दुनिया को हंसाने वाले मुकरी अंतिम समय में बहुत दर्द में जी रहे थे। इनकी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। ऐसे में मुकरी ने साल 1994 में फिल्मों से दूरी बना ली थी। वो पत्नी की देखरेख में लगे रहते थे। अचानक मुकरी को भी कई परेशानियां होने लगी। जब खुद का चेकअप करवाया तो पता लगा कि इनकी किडनियां खराब हो रही थी। मुकरी ने बहुत इलाज करवाया, मगर किडनियां धीरे धीरे पूरी खराब हो गई। आखिरी समय में मुकरी की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। सबको हंसाने वाले मुकरी बहुत दर्द में जी रहे थे। इसी बीच उनको दिल की गंभीर बीमारी ने भी घेर लिया। 4 सितंबर 2000 के दिन दर्द में जी रहे मुकरी के दिल ने अचानक धड़कना ही बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको मुकरी की कौन सी फिल्म याद है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।